वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त, आपका टीचर बिलाल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सूडो क्लासेस इन सीएसएस। सूडो क्लासेस क्या होती हैं? सूडो क्लासेस आर यूज्ड टू शो इफेक्ट ऑन एलिमेंट्स इन सीएसएस। वी डिफाइन क्लास बाय यूजिंग कॉलन्स। हम कॉलन्स यूज करके क्लास को जाहिर करते हैं विद सिलेक्टर। जो भी सिलेक्टर होगा उसके साथ कॉलन लगा के क्लास का नाम लिख देंगे। सूडो क्लासेस इन सी एस एस कौन सी हैं? ये जितनी भी इम्पोर्टेंट वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। जब हम नेम बार बनाते हैं, इसके बगैर तो हमारा नेम बार खूबसूरत बनता ही नहीं है। तो ये जो है चार क्लासें, ये मैंने आपको अगले लेक्चर में ए टू जेड बड़ी तफसील से बताऊंगा, क्योंकि हमारा सारा इनिसार इसी पे होता है जब ही हम नेम बार बनाते हैं। उसके बाद ये जो है क्लासेस लिखते कैसे हैं? कॉलन्स। और जो क्लास क्लास होती क्या है, आप में से एक लेवल की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताता चलूं कि जो क्लासेस होती हैं ये प्री डिफाइंड पहले से कोड लिखा होता है। हमने बस वो कोड लिंक या हॉवर या डिसेबल्ड, ये आपने वो नाम लिख के इसके पीछे जो इफेक्ट होते हैं वो आप इस नाम से ले लेते हैं। तो मैं आपको आज जो फॉर्म की क्लासेस हैं वो बता दूंगा। उसके बाद टेबल की होंगी, वो हम ये करते हैं। nth चाइल्ड है, nth चाइल्ड ऑड हो गया। फोकस चेक डिसेबल्ड एम्प्टी इनेबल्ड और ये टारगेट वगैरह, ये जितनी भी क्लासे हैं इंपॉर्टेंट क्लासे हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ का प्रैक्टिकल कर देते हैं। आज ही मैं फॉर्म की क्लास बता दूंगा। चेक डिसेबल्ड एम्प्टी इनेबल्ड, हो सके टारगेट का भी आपको बता दूं। और ये जो है हम टेबल में आगे जब टेबल करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। जी, मैंने HTML की फाइल बना के रखी हुई है, आपको पता है। इसमें हम जो है प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले हम आज फॉर्म पे काम करते हैं। मैं आपको जितनी भी फॉर्म की क्लासेस हैं सूडो क्लासेस वो ए टू जेड बता देता हूँ। फॉर्म, इसके बाद हम इसकी फॉर्म में इनपुट लेंगे, इसकी कोई ना कोई टाइप होगी। हम कहते हैं कि फॉर्म की टाइप टेक्स्ट है। बस अब ये फिलहाल इतने ही रखें। इसको आप ओपन करें, ये हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया है। इसको आप CSS में ओपन कर लें। ये फॉर्म की इनपुट फील्ड है, ये टेक्स्ट है हमारे पास। ये मैंने ब्राउजर को बड़ा करके रखा हुआ है। तो इस पे हम सबसे पहले आज काम करेंगे कि जो हमारे पास इनपुट है, इनपुट है जब हम सूडो क्लास यूज करने लगे, कॉलन लगाएं आप। और हमने आज पढ़ा था फोकस। फोकस के बाद आपने क्या करना है? फोकस का मायने जब इस पे क्लिक होगा, जब ये ब्लिंक होना शुरू होगा तो ये फोकस होगा, इसको कहेंगे फोकस। तो कंट्रोल एस करें। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये फोकस हो तो इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाए, रेड हो जाए। कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें। जब इस पे फोकस हो तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाए। ये सुडो क्लास बता दी है कि जब फोकस हो इसके ऊपर, जो भी आप करना चाहें, साथ आप इसका करना चाहें टेक्स्ट चेंज करना चाहें वो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वाइट हो जाए। जब ये इस पे फोकस हो तो इसका टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए? वाइट हो जाए। लेकिन जब फोकस हटेगा तो ये काम खत्म हो जाएगा। और साथ ही इनपुट टाइप मैं बता देता हूँ आपको, हम लिखते हैं इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो, रेडियो में हमें पता है कि अगर रेडियो उस वक्त तक वर्क नहीं करेगा जब तक उसका नेम सेम नहीं होगा। और इसी को कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी करें, कंट्रोल एस, इसको फीमेल कर देते हैं। और रेडियो बटन, अब रिफ्रेश करें, ये हमारे पास रेडियो बटन बन गया है। ये हमारे पास ये CSS की फाइल है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इनेबल्ड है बटन जिसपे हम काम कर सकते हैं, उसकी सिर्फ क्या करें, विड्थ 40 पिक्सल और उसकी हाइट, कंट्रोल एस। अब ये देखें, जितने भी इनेबल थे इनकी विड्थ और हाइट क्या हुई? इंक्रीज हो गई। आप इसका कलर चेंज करना चाहेंगे, होगा या नहीं? बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज होगा, जो भी होगा वो डिफॉल्ट कलर लेगा और इसके सिर्फ विड्थ और हाइट ही चेंज होगी। जितने भी मैंने कहा इनेबल्ड बटन है उनकी विड्थ और हाइट चेंज कर लें। तो ये किससे मिला हमें? CSS की सूडो क्लास है, उसने हमें बताया कि जब इनेबल्ड लिखेंगे आप, इसके अंदर विड्थ और हाइट सेट करेंगे तो बटन की ये विड्थ और हाइट सेट हो जाएगी। HTML की फाइल पे जाते हैं। जितने भी हम कहते हैं इसको कर देते हैं डिसेबल्ड। और हमने जो क्लास पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? डिसेबल्ड, यानी कि जो मैंने डिसेबल की है, कंट्रोल एस,
जो मैंने डिसेबल्ड किया बटन, डिसेबल्ड किया मैंने जो बटन, जैसे मेल का किया है, उसकी सिर्फ हाइट और विड्थ चेंज हो, बाकी की ना हो। ये जो विड किया, जो डिसेबल बटन होगा, उसकी विड्थ और हाइट चेंज हो। इसके साथ स्टूडेंट जल्दी ही इसको चेक बॉक्स बना लेते हैं। चेक बॉक्स इसके गेम का नाम गेम वन रख लेते हैं, कोई भी आप नाम रख लें। इसको डिसेबल को ख़त्म करें और इसको रख लेते हैं फुटबॉल, और साथ ही इसको इसका गेम टू कर लें। गेम टू इसका भी चेक बॉक्स, और इसको भी कर दें। तो मैंने कहा अभी मैंने जो है दो चेक बॉक्स बनाए हैं, दो की जगह आप चार कर लें, कोई बात नहीं। अब इस पे जो प्रॉपर्टी लगानी है, ये सीएसएस की सूडो क्लास की बात हो रही है। सूडो क्लास के जो मैंने आपको क्लासेस दिखाई थी, मैं उन्हीं से क्लासेस यूज कर रहा हूँ। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इनेबल्ड है, ये मैंने आपको पहले भी बताया ना, इनेबल्ड है, उसको क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ये देखें सारी इंक्रीज हो गई हैं, जो इनेबल्ड थी वो इंक्रीज हो गई है। अब मैं कहता हूँ कंट्रोल, इसको रिफ्रेश करें। अब मैं कहता हूँ जो चेक्ड है, जो चेक्ड है कंट्रोल एस, वो इंक्रीज हो जाए। इसको मैं चेक करूंगा तो क्लास क्या थी, चेक सूडो कोड, ये सूडो का इसका मैंने ये सूडो क्लास लगा रहा हूँ मैं, और जब इसको मैं चेक करूंगा तो मैंने क्या किया कि इसका साइज इंक्रीज हो जाए, साइज इंक्रीज हो जाए। ये विद द हेल्प ऑफ सूडो क्लास चेक के साथ जो थी, उसके साथ हमें ये फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने का मौका मिला है। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर पसंद नहीं बल्कि बहुत पसंद आया होगा।